गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास. बेटा हम आपके इंग्लिश का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग रीड कर रहे थे. लास्टली हमने पढ़ा था कि जो सीगल की मदर हैं वो कैसे एक फिश का पीस लाती हैं और सीगल के पास आती हैं. उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं. ही लैंड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. अब वो जैसे ही, क्योंकि भूख के मारे वैसे ही उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसकी मम्मी को जब वो देखता है कि वो फ्लैश का एक टुकड़ा लेके आई हूँ, तो रॉक पे टप टपक करके आगे आने की कोशिश करता है. ट्राइंग टू गेट नियर इट टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी मदर के पास आ जाए, क्योंकि वो हवा में ही तब उड़ रही होती है. बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम. और जब वो सिर्फ उसके सामने थी. शी हेल्टर्ड हर एंड विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ अ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. अब वो क्या करती हैं, जो उसकी मदर हैं वो एक जगह, मतलब बहुत ज़्यादा सीगल के पास पहुँचने पर थोड़ा सा रुक जाती हैं और वहीं पे एक ही जगह पे खड़ी रह जाती हैं. दैट मीन्स वहीं फ्लाई करने लगती हैं. अब जो सीगल है उससे वो मीट का पीस बहुत ज़्यादा पास है. ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज. अब वो जब ये देखता है कि उसकी मम्मी मीट लेके तो आई, लेकिन उसके पास क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा सा दूर पे क्यों है, तो उससे थोड़ा सरप्राइज हो जाता है. वेंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. अब वो सरप्राइज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरी मम्मी मेरे पास आ क्यों नहीं रही. देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. अब वो भूख से इतना पागल हो चुका था कि वो फिश के लिए कूद पड़ता है. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड अ डाउनवर्ड इन टू स्पेस. अब वो ज़ोर से चीखता हुआ नीचे की तरफ गिरता है. आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड का मतलब नीचे तो गिर रहा है पर आगे की तरफ बढ़ रहा है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब वो अचानक से इतना घबरा जाता है जब वो चट्टान पे से नीचे आ जाता है और क्या लगता है, मानो उसका दिल वहीं का वहीं रुक गया हो. He could hear nothing. अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है. But it was only a last minute. The next moment he felt his wing spread outward. और एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगता है कि अब तो वो बचेगा ही नहीं, लेकिन अगले ही क्षण क्या होता है, उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि उसके पंख जो हैं वो खुल चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फैदर देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. अब क्या होता है कि उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि अब वो गिर नहीं रहा, जबकि क्या हो रहा है कि उसके जो पंख हैं वो हवा को काटते हुए, हवा पहले उसके पंखों से टकरा रही है, फिर उसके पेट से टकरा रही है और फिर उससे पंख से टकरा रही है. और उसे कैसा फील होता है कि उसके जो पंख का किनारा है वो हवा को अब काट रहा है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. अब उसे एहसास हो चुका कि वो नीचे नहीं गिर रहा. He was soaring gradually downward and outward. अब वो आगे की नीचे तो गिर रहा है, लेकिन कैसे गिर रहा है, आगे के फॉर्म में गिर जा रहा है. He was no longer afraid. लेकिन अब वो डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है. He just felt a bit dizzy. Dizzy मतलब क्या, आप सिर्फ उसको ऐसा लग रहा है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, जबकि वो डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है. Then he flapped his wing once. और वापस से वो एक बार अपने पंखों को क्या करता है, फड़फड़ाता है. And he soared upward. और वो आगे की तरफ बढ़ता है. गा 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 गो कोला. हिज मदर स्नूप्ड पास्ट हिम. और उसकी मम्मी ऐसी आवाज़ देते हुए, उन्होंने उनकी भाषा में कुछ कहा और आगे निकल जाती है. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़. और जो सीगल की मम्मी है उनके पंखों की आवाज़ कैसी आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आती है. क्यों आती है, क्योंकि सीगल से कंपेयर करें तो उसकी मदर के पंख ज़्यादा बड़े हैं. जब वो बड़े पंख फड़फड़ाती है तो आवाज़ भी ज़ोर से आती है. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और सीगल भी अपनी मम्मी को जवाब देता है उतनी ही तेज़ स्वरों में. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. और खुशी से फिर उसके पापा भी चिल्लाते हुए चीखते हुए आगे की तरफ उड़ जाते हैं. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड अ बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. अब ये जो चार नाम दिए, करवेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग और डाइविंग, ये चार प्रकार की उड़ानों के नाम हैं जो जनरली पक्षी भरते हैं. एक ऐसे गोल 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 घूमते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है, घोड़े की तरह, मतलब उचक उचक के जो फ्लाई करते हैं. एक होता है जो चीलियाँ बाज लेती हैं ना, बिना पंखों को हिलाए सिर्फ अपनी बॉडी को मूव करते हुए उड़ने, वैसा काम. सोरिंग और डाइविंग भी इस तरीके से होता है कि एक बार नीचे आओ फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ फिर ऊपर जाओ. डाइविंग का मतलब तो पता ही, ऊपर से नीचे आना उड़ते हुए, उसको क्या बोलते हैं, डाइविंग.
ठीक। तो अब वो देखता है कि उसके जो दो भाई और बहन हैं वो भी अलग अलग प्रकार से उड़कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ही वॉज नियर द सी, अब उसे एहसास होता है कि वो किसके पास है, समुद्र के पास है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसी के ऊपर ऊपर उड़े जा रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो समुद्र को देखते हुए सीधा का सीधे बिल्कुल पोजीशन में उड़ रहा है। ही सॉ अ लास्ट वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, और वो क्या देखता है कि हरा सा समुद्र उसके नीचे है। विद अ लिटिल रेज मूविंग ओवर इट, और क्या देखता है, रेज का मतलब क्या होता है, लहरें, तो समुद्र में लहरें भी आसपास उठ रही हैं। एंड ही टर्नड हिज बीक साइडवेज एंड अकॉर्ड अम्यूज्डली, और वो क्या करता है, अपनी चोंच को नीचे करता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोर अहेड ऑफ हिम, और उसी के सामने जो समुद्र है उसमें उसके भाई बहन और मम्मी पापा सब अपने बॉडी को इस तरीके से लेकर जाते हैं, मानो ऐसा दिखता है कि वो समुद्र पे खड़े हुए हैं। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, और वो उसे प्रोत्साहित करते हैं, कॉलिंग श्रीली, और वो सब खुशी से उसे कहते हैं कि तुम भी ऐसा करो। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द सी ग्रीन, अब वो कोशिश करता है कि वो अपना पैर उस समुद्र की सतह पर रखे। हिज लेग सैंक इन टू इट, लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो पैर रखता है वैसे ही उसका पैर अंदर डूब जाता है। टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, अब वो कोशिश करता है कि पैर रख के क्या करेगा, उसको अपने आप को खड़ा करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ही स्क्रीम विद अ फ्रेंड एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे क्या लगता है कि वो डूबने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अचानक से वापस से एक उड़ान भर लेता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड अ वीक विथ हंगर, अब वो बहुत थक चुका होता है और उसे भूख भी लग रही है, तो उसकी वजह से वो कमज़ोर भी हो जाता है। ही कुड नॉट राइज, और वो ज़्यादा ऊँचा नहीं उड़ पाता। एग्जॉटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं होता है, तो उसके लिए ये सब कुछ अलग था, नया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, और क्या होता है, थकान के कारण वो उस समुद्र के में डूब जाता है। एंड देन हिज बैली टच हिज टच इट, अब वो पहले तो वो खुद अंदर एक फीट अंदर डूबा उसका, फिर उसका पेट भी अंदर टच हो जाता है पानी से। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन वो अंदर डूब ना पाता नहीं, क्योंकि पक्षी डूबते नहीं है, वो पानी में तैर सकते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसे फिर एहसास होता है कि वो ऊपर ही तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास वो क्या देखता है कि उसका परिवार जो है वो आवाज़ दे रहा है, प्रेसिंग हिम, और उसे क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, उस पर गर्व महसूस कर रहा है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच में वो क्या लेकर आते हैं, मछली लेकर आते हैं और उसे खिलाने के लिए कहते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी प्रकार से वो पहली बार उसने उड़ान भरी थी। तो ये चैप्टर की रीडिंग सेक्शन आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के फोटो सेंड करूँगी। आप में से अगर किसी बच्चे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या इसके आगे के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे समझ सकते हैं। आप लोगों को कॉपियाँ कंप्लीट करनी है और चेक भी करवानी है।